नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कुमार आरा टेक में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज काफी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस होने वाला है। गूगल पे यदि आप कुछ भी सर्च करते हैं तो यह वीडियोस देख लीजिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकता है। दोस्तों आज मैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो यह वीडियोस देख लीजिए, है ना। होता क्या है दोस्तों कि इतना बड़ा गूगल सर्च इंजन बन गया, आप कुछ भी आपके मन में रहता है तो आप गूगल पे सर्च करते हैं। मेडिसिन से लेकर के खाने की रेसिपीज हर चीज़ गूगल पे सर्च किया जाता है दोस्तों। लेकिन कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स आप ध्यान में रखें गूगल पे सर्च करने से पहले, इसलिए जो है सो आप यह वीडियोज़ को देख लीजिए, है ना। यदि आप कुछ भी बिना सोचे समझे यदि सर्च करेंगे तो आपको लेने के देने पड़ सकता है दोस्तों। इसलिए जो है कुछ भी सर्च करने से पहले यह वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप 100% श्योर हो जाएंगे कि क्या सर्च करना चाहिए और क्या सर्च नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक एक करके सारा पॉइंट्स बताने वाला हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों देखिए, अपने बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग के वेबसाइट को गूगल पे सर्च ना करें दोस्तों, क्योंकि इस तरह का फेक वेबसाइट गूगल पे भरा पड़ा है। आप जो है सो डिफरेंस भी नहीं कर पाएंगे और उस फेक वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे और आप जो है फ्रॉड के शिकार में हो सकते हैं। दोस्तों होता है क्या है, आप किसी भी वेबसाइट पर यदि आप क्लिक करते हैं दोस्तों और वहां पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह यदि डालते हैं तो आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, आपको लेने के देने पड़ सकते हैं दोस्तों। इसलिए किसी भी बैंक का जो मेन यूआरएल है वो मेन यूआरएल को गूगल पे सर्च करेंगे तो आप क्या होगा कि उसी बैंक पे आप उसके बैंक का जो अपना वेबसाइट है मेन वेबसाइट है वहां पे आप जा सकेंगे दोस्तों। इसलिए आप ये पॉइंट्स को ध्यान में रखें दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों किसी कंपनी के कस्टमर केयर नंबर गूगल पे सर्च करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट यहां पे बना हुआ रहता है और अपना जो है सो नंबर फ्रॉड नंबर वहां पे रहता है। उस फ्रॉड नंबर पे यदि आप कॉल कर देंगे तो आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं दोस्तों, है ना। इसलिए आप जो है सो किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर यदि आपको लेना है तो उस कंपनी के वेबसाइट पर जाएं और उस कंपनी के वेबसाइट में अंदर में कस्टमर केयर नंबर रहता है दोस्तों, वहां पे जाकर के आप कॉल करेंगे तो आप सेफ रहेंगे दोस्तों। इसलिए आपको जिस कंपनी के कस्टमर केयर नंबर लेना है उस कंपनी के वेबसाइट पर जाएं और उस वेबसाइट पे अंदर में कस्टमर केयर नंबर रहता है वहां पे जाकर के आप आसानी से जो है सो कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट आप गूगल पे कस्टमर केयर नंबर सर्च ना करें। उसके बाद आता है दोस्तों किसी भी मेडिकल या मेडिसिन की सलाह लेने के लिए गूगल पे सर्च ना करें, क्योंकि इस तरह का फेक सलाह भी आपको मिल सकता है, आप फ्रॉड के शिकार में पड़ सकते हैं दोस्तों। यदि आपको मेडिसिन लेना ही है तो आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लें और उसके अनुसार आप मेडिसिन लेंगे तो आप सेफ रहेंगे दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों किसी भी पर्सनल फाइनेंस या स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए गूगल पे सर्च ना करें, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फ्रॉड भरा पड़ा है और आपको बताएंगे कि आपको रातों रात कैसे अमीर बनना है, अपने पैसे को कैसे डबल करना है। इस तरह का कुछ नहीं होता है दोस्तों, मेहनत करने से ही सारा चीज होता है। इसलिए आप जो है सो पर्सनल फाइनेंस या स्टॉक मार्केट के बारे में गूगल पे डायरेक्ट सर्च ना करें, जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, जो एक्सपर्ट है उनसे जाकर के सलाह मशवरा लें और उसके अनुसार आप जो है सो स्टॉक मार्केट का ज्ञान ले सकते हैं तो बेहतर रहेगा दोस्तों। दोस्तों किसी भी सरकारी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करने की कोशिश ना करें, आप जो है फ्रॉड के शिकार में पड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे इस तरह का वेबसाइट है, आप डिफरेंस भी नहीं कर पाएंगे और उस वेबसाइट में क्लिक कर देंगे। देखिए कोई भी टैक्स यदि हम लोगों को देना है, चाहे वो नगर निगम टैक्स हो या म्युनिसिपैलिटी टैक्स हो, तो सरकारी गवर्नमेंट का जो मेन यूआरएल है, मेन वेबसाइट है, वो मेन यूआरएल को गूगल पे सर्च करके और वहां पे आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप गूगल पे सरकारी वेबसाइट को सर्च ना करें, क्योंकि आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे इस तरह का वेबसाइट गूगल पे भरा पड़ा है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट को लॉग इन करने के लिए गूगल पे सर्च ना करें, क्योंकि इस तरह का बहुत सारे वेबसाइट भरा पड़ा है दोस्तों और उसमें यदि आप यूजर आईडी पासवर्ड यदि डाल देते हैं तो आप फ्रॉड के शिकार में पड़ सकते हैं दोस्तों। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऑफर्स या डिस्काउंट कूपन के लिए आप गूगल पे सर्च ना करें, क्योंकि इस तरह का बहुत सारे फ्रॉड हो चुका है, आप फ्रॉड के शिकार में पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब गूगल पे किसी भी फ्री एंटीवायरस एप्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सर्च ना करें, क्योंकि आप फ्रॉड के शिकार में हो सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे इस तरह का फ्रॉड एप्स और वेबसाइट गूगल पे भरा पड़ा है, इसके लिए क्या करें? देखिए इसके लिए सेफ और सिक्योर माना जाता है गूगल का प्ले स्टोर, वहां पे जाकर के आप जो भी चीज एप्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां पे जाकर के सर्च करके आप एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे आप डायरेक्ट सर्च ना करें, आप फ्रॉड के शिकार में पड़ सकते हैं दोस्तों। इस तरह का नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों दिल से लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि आपका फ्रेंड्स भी
फ्रॉड होने से बच सकेगा दोस्तों, है ना। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव और क्वालिटी टेक वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ दोस्तों। अब चलिए, जहां भी हैं सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और फ्रॉड होने से बचिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।